एसटी बस नहीं मिलने से लोगों का फूटा गुस्सा, नाला सोपारा में रेल रोको आंदोलन। कोरोना महामारी संक्रमण की वजह से जहां पूरे भारत देश में 22 मार्च से लॉकडाउन रखा गया है, तो वहीं महाराष्ट्र में पिछले महीने से जगह जगह कंटेनमेंट जोन घोषित करके लॉकडाउन रखा गया है, जिसमें लगभग 70% कारखाने, दुकानें, ऑफिस खुलना चालू हो गया है, जिसमें नाला सोपारा के अधिकतर लोग मुंबई में काम करने के लिए आते जाते हैं। लेकिन कल एसटी बस के लिए इंतजार में कई घंटे खड़े रहने के बाद भी बस नहीं गई, जिसकी वजह से गुस्से में हजारों की संख्या में नागरिक रेलवे प्लेटफार्म पर जा पहुंचे और लोकल ट्रेन के रोकने के लिए ट्रैक पर जम गए और मांग करने लगे कि जो अति आवश्यक सेवा है उसे बहाल किया जाए। तक्रार आहे की पेशंट डायलिसिस पेशंट आहे, त्याला तरी ट्रेन मध्ये अलाउड करा। आज या बस चालकाने डायलिसिस पेशंट दोन दोन तास उभा राहतो, आयडी मागतात प्रत्येक वेळेला, गव्हर्नमेंट आयडी पाहिजे, हे आयडी पाहिजे, जर पेपर दाखवून पण तुम्ही सोडताय, पण दोन तास पेशंट लाईनीमध्ये उभा राहून डायलिसिसला कसा जाणार? त्याला ट्रेन मध्ये अलाउड करा। अति आवश्यक सेवा के लिए अलग से ट्रेने चलाई जाए। वहीं कई यात्रियों का कहना है कि लगभग लॉकडाउन की वजह से 5 महीने हो गए, अब हम लोग, हमारा परिवार भुखमरी के कागार पर है। 4 बजे से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम लोग घर खाता काम करने बांद्रा जाते हैं। आप लोग 4 महीना से लॉकडाउन किए, बंद किए, 5 महीना से लॉकडाउन को हम लोग घर में बैठे हैं, हमारे बच्चे लोग क्या खाएंगे? इसलिए हम मजबूरन, हमको काम पर जाना पड़ता है। यात्री रेल रोको आंदोलन के बाद पुलिस प्रशासन ने एसटी महामंडल से बात करके बताया कि महामंडल की तरफ से मुंबई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बसें चलाई जाएंगी। नाला सोपारा से राधे श्याम सिंह की रिपोर्ट। अभी निर्णय जो है महामंडल लेगा, अभी तो निर्णय यही हुआ है कि नाला सोपारा से बहुत ज़्यादा लोग मुंबई में काम के लिए जाते हैं, उनका जाना भी ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बसें छोड़ी जाए और बसें टाइम पे छोड़ी जाए, इसके लिए हमने उनसे अनुरोध किया है और उन्होंने बोला है कि अब आज से लेकर कल से लेकर जो बसेस हैं वो टाइम पे चलेंगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बसेस तो वो भेज सकेंगे उतने भेजेंगे। मनुष्य बल जो है उनके पास भी कम लोग हैं, तो कोरोना की वजह से उनके भी कई लोग बीमार हैं, क्वारंटाइन है, तो उनके पास भी जो लोग हैं काम करने के लिए वो कम है, उसके हिसाब से जितना भी बसेस, जितनी बसें छोड़ी जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा बसें छोड़ी जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने काम पर पहुँचाने के लिए प्रयास किया जाएगा, ऐसे महामंडल प्रशासन ने बोला है। मैं मालाड में काम करता हूँ, मैं रोज़ सुबह 7 बजे इधर आता हूँ बस के लिए, बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, अराउंड मुझे 45 मिनट्स तो लग जाते हैं लाइन में, उसके बाद बस में जाता हूँ 60 रुपये भाड़ा लगता है। ठीक है, नॉर्मल इंसान है, 4 महीने से प्रॉब्लम चल रहा है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आने जाने का सिर्फ 120 रुपये हो जाता है, वहाँ से फिर मेरे को ऑटो लेना पड़ता है, उसका ज़्यादा कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, अभी लोकल ट्रेन इन्होंने चलाया तो है, बट पब्लिक आप देखोगे तो मुश्किल से एक डब्बे में 1 से 2 जन रहते हैं, पूरे के पूरे खाली जाते हैं। ठीक है, अभी अगर हम आज सुबह से सभी लोग 6 बजे से यहाँ पे खड़े, 6 बजे से 9 बजे तक पब्लिक यहाँ पे खड़े, सब पूछ रहे हैं वो लोग को, एक बस वाले को क्या प्रॉब्लम, किसी का कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो इसके लिए पब्लिक ने सीधा सोच लिया कि आज कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि लास्ट 4 मंथ से हम लोग ऐसे ही खड़े हैं, लेकिन डिसीजन नहीं हो रहा है, सबके घर पे प्रॉब्लम, प्राइवेट में सभी के घर पे प्रॉब्लम आ रहा है, किसी के घर पे नहीं, अगर हम लोग आज गए तो जॉब पे जाना है, बॉस सीधा सीधा बोल देता है, तुम लोग जब काम पे आओ उसके बाद ही तुम्हें सैलरी मिलेगा, तो इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग उनको पूछते तो वो लोग सीधा जवाब देते कि खाली गवर्नमेंट वालों के लिए बस रखा है, प्राइवेट वालों के लिए कुछ नहीं। कल तक वो लोग बोल रहे थे कि नहीं प्राइवेट वाले भी जा सकते हैं, लेकिन आज उनका जवाब कि नहीं खाली गवर्नमेंट आईजी दिखाओ तो ही हम लोग छोड़ेंगे, पालन कर सकते हैं। ठीक है, 4 महीने से बोल रहे हैं लोकल ट्रेन चालू करेंगे चालू किया है, बट वो गवर्नमेंट वाले के लिए, हम लोग क्या सिर्फ गवर्नमेंट वाले ही पब्लिक है, सिर्फ वही काम करेंगे, ये जो हम लोग प्राइवेट जॉब वाले हैं, जो मजदूर हैं, वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, गवर्नमेंट वाले को सरकार बहुत सारे सुविधा भी दे के रखी है। ठीक है, उनका
प्रॉपर सैलरी भी आ रही है और भी बहुत सारी चीज़ें उनको बेनिफिट मिल रहे हैं, बट ये जो हमारे ऐसे लोग हैं जो लोकल है जो प्राइवेट में काम करते हैं उनको चार महीने से पैसे नहीं दे रहे, ठीक है। अभी हम लोगों ने चालू किया जाने के लिए, अभी उन्होंने बस बंद कर दिया, ट्रेन चालू किया तो कैसे जाएंगे, ठीक है। अभी आधा दिन का पगार मिलेगा, अभी मेरे को महाराष्ट्र या स्टेट या फिर इंडियन गवर्नमेंट मेरे को आके पैसा नहीं देगी, ठीक है। हम लोग प्राइवेट जॉब वाले गवर्नमेंट में रहते हैं, घर बैठे भी पैसा आ जाता है, ठीक। अभी हम लोग प्राइवेट वाले हैं तो कुछ नहीं, काम करना ही पड़ेगा, काम करूँगा तो पैसा देगा मेरा बॉस जब तक मैं वहाँ पर काम नहीं करूँगा तब तक वो पैसा देने वाला नहीं है, ठीक है। अगर मैं जाऊँगा ही नहीं तो मेरे घर पर मेरे मम्मी पापा बहन कैसे खाएंगे, ठीक है। सर, कैसे लाएंगे? आओ, हंसने का नहीं।